नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और 11 बजे के खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली से आ रही एक सनसनीखेज खबर के जरिए। दिल्ली में एक ही परिवार के तीन लोगों के मर्डर से हड़कंप मच गया है। ट्रिपल मर्डर की यह वारदात पार्किंग के विवाद में हुई। मारे गए लोगों में दो सगे भाई और एक भाई की पत्नी शामिल है। यह मामला दिल्ली के पॉश इलाके मॉडल टाउन का है, जहां जसपाल सिंह और गुरजीत सिंह का परिवार रहता था। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे दोनों भाइयों के बीच गाड़ियों की पार्किंग को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ। मामला इतना आगे बढ़ा कि भाई जसपाल सिंह ने अपने भाई गुरजीत सिंह पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इसी दौरान गुरजीत सिंह को मिले पीएसओ ने जसपाल और उसकी पत्नी स्वीटी पर गोलियां चला दी। वारदात के बाद दोनों पीएसओ मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात घर के बाहर हुई, इसलिए घर के बाहर रोड पर सबूत के तौर पर खून के धब्बे मिले। पुलिस अब सीसीटीवी की तलाश कर रही है, खंगाल रही है इसको इस सबूत के लिए। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में हत्या और एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत। मौके पर पहुंची हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। मॉडल टाउन 2 के बी ब्लॉक के इस घर में दो सगे भाई जसपाल और गुरजीत रहते थे। जसपाल नीचे के फ्लोर में रहते थे जबकि गुरजीत ऊपर के फ्लोर में रहते थे। कल रात 11:20 के आसपास दोनों भाइयों के बीच घर के अंदर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा करते हुए दोनों भाई बाहर आए और जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों का मर्डर हुआ। आपको बताएं कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा काफी लंबे समय से चल रहा था। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर यह झगड़ा था। कल रात जो झगड़ा शुरू हुआ वो गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ। दोनों भाइयों ने गाड़ी पार्किंग को लेकर एक दूसरे पर आपत्ति जताई कि ये जगह उनकी है, इसलिए वो गाड़ी पार्क यहाँ पर ना करे, जिसके बाद ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया और घर के अंदर झगड़ा करते हुए दोनों भाई यहाँ पर सड़क पर निकल आए और सड़क पर काफी देर तक झगड़ा हुआ, जिसके बाद जसपाल जो कि बड़े भाई हैं उन्होंने गुरजीत पर तेजधार हथियार से हमला किया। गुरजीत जमीन पर गिर गए, जिसके बाद जो गुरजीत को जो दो पीएसओ मिले थे उन दोनों पीएसओ ने जसपाल और उनकी पत्नी स्वीटी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद जसपाल और स्वीटी की मौत हो गई। इसमें गुरजीत की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि यह झगड़ा इस प्रॉपर्टी विवाद को लेकर था। लगातार दोनों भाइयों में करीब 5-6 साल से झगड़ा बना हुआ था। आसपास के लोगों का कहना है कि जब से उनके पिता की मौत हुई थी उसके बाद से ये झगड़ा बना हुआ है। आपको बताएं कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह ये झगड़ा काफी ज्यादा जो जानलेवा साबित हुआ वो यहाँ पर हुआ। गली में किस तरह कांच की बोतल के टुकड़े बिखरे हुए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर खून बिखरा हुआ है। करीब 50 मीटर के इस दायरे में जगह जगह पर खून के धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह खून यहाँ पर बिखरा हुआ है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो झगड़ा कल हुआ दोनों भाइयों के बीच में वो कितना जानलेवा साबित हुआ। आपको बता दें कि इस पूरी वारदात में गुरजीत का बेटा गुरनूर भी घायल हुआ है। अभी वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। घर के बाहर सीसीटीवी भी लगा हुआ है जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिर उस घटनास्थल पर और कौन मौजूद था। जो पीएसओ जिन्होंने जसपाल और उनकी पत्नी को गोली मारी जो कि गुरजीत के साथ थे, वो दोनों पीएसओ मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर जो जब कल ये घटना हुई घटनास्थल पर और कौन कौन मौजूद थे, और उन लोगों की तलाश फिलहाल पुलिस ने जारी कर दी है। कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां के पॉश इलाके मॉडल टाउन में दो भाइयों के बीच, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, दो भाइयों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि तीनों की जान चली गई और बीच में जो है वो बड़े भाई की पत्नी है जिन्हें भी गोली लगी थी। आपको बता दें मामला क्या है और इसमें सिर्फ एक ही परिवार के तीनों लोगों की किस तरह से जान चली गई। एक परिवार में तीन मर्डर के बाद रिश्तेदार घर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि इंडिया टीवी के संवाददाता गोनिका अरोड़ा इस वक्त वहां मौजूद है और उन्होंने वहां पहुंचे रिश्तेदारों से इस पूरे वारदात को लेकर बात की। बीती रात मॉडल टाउन इलाके में जो ट्रिपल मर्डर हुआ वो इसी घर में हुआ। घर के कुछ पारिवारिक सदस्य यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल कितने बजे आप लोगों को जानकारी मिली इस घटना की? सर, आपको कितने बजे जानकारी मिली? रात को अपना 12:30 बजे। क्या क्या जानकारी मिली आप लोगों को कि हुआ क्या? फोन आया था अपना कि सिस्टर ऐसे एडमिट है और हॉस्पिटल में, पेंटामाइंड में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपना वो डेथ हो चुकी थी उसकी। स्वीटी आपकी? हाँ जी सिस्टर। नॉर्मल बात पीएसओ की भी आ रही है, जो दो पीएसओ गुरजीत के साथ है जिन्होंने जसपाल और स्वीटी पर गोली चलाई, उसके बारे में कोई जानकारी आप? नहीं, हमें नहीं पता उसके बारे में। मैं तो सीधा हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, वहाँ पता लगा भी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। तो जो विवाद था दोनों परिवारों के बीच में कब से चल रहा था? काफी टाइम से चल रहा था। क्या विवाद था, किस चीज को लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर था उनका थोड़ा। इनकी क्या, ये घर के अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, होटल भी कहा जा रहा है कि अपना है ये प्रॉपर्टी, यही डिस्प्यूट था इनका थोड़ा सा।
और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मॉडल टाउन से जुड़ गई है संवाददाता गोनिका अरोड़ा। गोनिका, जो बातचीत आपने की और इसमें सबसे अहम कड़ी जो है और जो सबूत या कहें कि विटनेस है वो है वो दो PSO जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी अमित, वो जो PSO की बात इसमें सामने आ रही है वो सिर्फ विटनेस नहीं बल्कि वो इस जो यहाँ पर घटना हुई उसके गुनाहगार भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही जसपाल और स्वीटी पर गोलियां चलाई, ऐसा DCP की तरफ से कहा गया है। लेकिन वो फिलहाल मौके से फरार हो गए थे, उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कुछ ही देर पहले DCP और ज्वाइंट CP यहाँ पर पहुंचे, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस पर बात करने से मना कर दिया। आपको दिखाएं कि ये जो घर है हमारे पीछे मौजूद है, इसी को लेकर ये पूरा विवाद दोनों भाइयों के बीच में चल रहा था। हालांकि इनके पिता की जब 5-6 साल पहले मौत हुई थी तो उनके पिता ने इस पूरे घर को, आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा घर है, तो इस पूरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया था। दोनों के पास घर का इक्वली पोर्शन था। जसपाल नीचे के फ्लोर में रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, और जबकि गुरजीत जो है वो ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड पोर्शन थे दोनों के इस घर में। लेकिन उसके बावजूद कल जब यहाँ पर गुरजीत ने जसपाल की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया, तब जसपाल ने इस पर आपत्ति जताई और ये घर जो झगड़ा है वो काफी जानलेवा दोनों के बीच में साबित हो गया, जिसमें कि 3 मौतें हो गई है, जिसमें कि जसपाल की पत्नी स्वीटी भी शामिल है। उस वक्त घर में बाकी लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ बात की? जी, जो बात अभी सामने आ रही है कि जसपाल की 2 बेटियां, उनका एक बेटा और गुरजीत का एक बेटा और गुरजीत की पत्नी, यही सब लोग पारिवारिक सदस्य घर में मौजूद थे। हालांकि फिलहाल इनसे ये बात नहीं हो पाई है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कोई भी इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। जसपाल का बेटा फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वहीं गुरजीत का बेटा जो है वो अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि कल जो झगड़ा हुआ था उसमें गुरजीत के बेटे को भी चोट आई थी, वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। आई विटनेस के तौर पर बात करें तो किसी भी पड़ोसी से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि उन्हें कोई आवाज तक सुनाई नहीं थी, उन्हें सुबह इस घटना के बारे में पता चला। काफी हैरानीजनक बात है, क्योंकि सिर्फ 11 बजे का वो वक्त था और गोलियां यहां पर चली, तो जाहिर तौर पर है आवाज जो है वो पड़ोसियों को आई होगी, लेकिन कोई भी पड़ोसी इस पर सहमत नहीं है कि आखिर उन्होंने घटनास्थल पर कुछ देखा या नहीं, वो सभी इस बात से इनकार कर रहे हैं। क्या पुलिस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट लेना शुरू किया है विटनेसेस से, चाहे वो परिवार के लोग हो जो घायल हैं या फिर जो पड़ोसी है उनसे? जी, कुछ ही देर पहले जसपाल के भाई यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिली कि उनकी जसपाल की जो बड़ी बेटी है उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। अभी क्या उनसे पूछताछ हुई है, क्या जानकारी ली है, फिलहाल इसके बारे में पुलिस से कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। ज्वाइंट CP और DCP जो है वो यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया कि आखिर कैसे कैसे वो घटना हुई, पूरा उन्होंने देखा कि कौन कौन से फ्लोर पर दोनों भाई रहते थे। लेकिन अब तक ये कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि किस किससे इस मामले में पूछताछ हुई। हालांकि जसपाल की बड़ी बेटी से पूछताछ हुई है, ये बात कंफर्म है। गुनिका, एक बात बताइए, जो PSOs की आप बात कर रहे हैं उनके नाम क्या सामने आया, वो क्या कुछ किसी एजेंसी से थे या क्या प्राइवेट थे, क्या था उनके बारे में कोई जानकारी? जी, जो PSO की बात सामने आ रही है वो गुरजीत के साथ काफी लंबे समय से थे। कहा जा रहा है कि गुरजीत का यहाँ पर मॉल टाउन में ही एक रेस्टोरेंट है ग्रेट वॉल नाम से, और उसी रेस्टोरेंट के चलते उन्होंने PSO रखे थे। ये PSO दोनों प्राइवेट थे, लेकिन इनके नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पुलिस फिलहाल इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। जब DCP भी यहाँ पर पहुंची, फोन पर भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने रिएक्शन इस पर देने से मना कर दिया। हालांकि PRO की तरफ से उम्मीद है कि जल्दी इस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है क्योंकि यही अहम कड़ी है, ना सिर्फ वो विटनेस बल्कि वो उन पर ही हत्या का आरोप है कि उन्होंने ही गोलियां चलाई थी भाई पर और साथ ही भाई की पत्नी पर। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे।